वॉर जोन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि हमास के पास अभी भी ऐसे कमांडर और लड़ाके बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दावा किया गया है कि हमास का एक ऐसा ही हवाई कमांडर गाजा शहर में मारा गया है। ये हमास का एक ऐसा कमांडर था जिसने कोल्ड ड्रिंक पीकर इसराइलियों को मारा। टारगेट पर नेतन्याहू, मार दिया कमांडर वाडिया। जिस वक्त पूरे इसराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने हमास के उस कमांडर को ठिकाने लगवा दिया है जिसने पैराग्लाइडर के जरिए 7 अक्टूबर 2023 को 22 से ज्यादा इसराइलियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था। गाजा युद्ध को लगभग 350 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमास सरेंडर करने को तैयार है और ना ही नेतन्याहू जंग रोकने को तैयार है। हम आपको आज गाजा युद्ध की उस खूनी जंग का खौफनाक चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसमें पिछले 24 घंटे में 37 से ज्यादा लोग अकेले गाजा में ही मारे गए हैं। मारे गए 37 लोगों में हमास के 8 ऐसे लड़ाके हैं जिनके टारगेट पर सिर्फ नेतन्याहू थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास के पास 300 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके के बराबर सुरंगें मौजूद हैं, जहां से अभी भी हमास के लड़ाके भयानक तरीके से इजरायली सेना, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। हमास को अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग रुक भी गई तो भी नेतन्याहू चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारते रहेंगे। यही वजह है कि हमास आखिरी दम तक इजरायली सेना से जंग करना चाहता है। हमास की इसी सोच और मिशन को इस वक्त गजा में मौजूद 1.5 लाख इजरायली सैनिक बुरी तरह से कुचल रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में हमास का कौन सा कमांडर गजा शहर में मारा गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि गजा शहर में क्या हुआ है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गजा शहर के अल अहली अस्पताल के पास मौजूद हमास के अड्डे पर इजरायली सेना और शिनबेत ने मिलकर भयंकर हमला किया। दावा किया गया है कि इस हमले में हमास का कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। खबरों के मुताबिक कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया के चारों तरफ इसराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेत ने जाल बिछाया था, जिसके बाद शिनबेत और IDF ने मिलकर गाजा शहर में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हमला किया। इसराइल सेना के जेट और घातक मिसाइलों से हुए घातक हवाई हमले में कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया समेत कई हमास के लड़ाके मारे गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ हवाई हमला गजा टू वेस्ट बैंक। इजरायली सेना इस वक्त गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन और आसमान से इतने खूंखार हमले किए जा रहे हैं कि ईरान, मिस्र, तुर्की, लेबनान, यमन हर दिन इसराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो हमास को दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गाजा और वेस्ट बैंक में हमले तेज कर दिए हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने क्या कोहराम मचाया है। इजरायली सेना का सबसे बड़ा हमला और ऑपरेशन गाजा शहर में अल अहली अस्पताल के पास हुआ है, जिसमें कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। हमास के इस कमांडर के बारे में दावा किया जाता है कि इसी कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को 22 इजरायली नागरिकों को बुरी तरह से मारा था। इजरायली सेना का दावा है कि कमांडर वाडिया हमास की दाराज तूफा बटालियन में नुकबा अल कंपनी का कमांडर था। 7 अक्टूबर को कमांडर वाडिया पैराग्लाइडर के जरिए गाजा सीमा से इसराइल में घुसा था। पैराग्लाइडर के जरिए घुसते ही इसने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए थे। इसराइल के मुशाव नेतिव हासारा में घुसते ही इसने और इसके लड़ाकों ने 900 लोगों की आबादी वाले कस्बे पर भयंकर हमले शुरू कर दिए थे
उस वक्त इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। कमांडर वाडिया ने इजरायली तासा परिवार के घर पर भी हमला किया था। वहां फ्रिज से कोका कोला पीते हुए इस कमांडर ने पूरे घर का सफाया कर दिया था। यहां तक कि उस नरसंहार का वीडियो भी इसने फिल्माया था। कमांडर वाडिया और उसके साथियों ने मिलकर 12 साल के कुरेन, 8 साल के शाय और उनके पिता 46 साल के गिल ताजा की हत्या की थी। पहले बच्चों के सामने पिता की हत्या की गई और फिर बाद में बच्चों को मार दिया गया। احتلال اسرائيل قامت باستهداف هذا المركز مركز دماء في منطقه شارع احمد ياسين اسفر هذا الاستهداف عن عدد كبير من المصابين جل المصابين حالتهم خطيره جدا وهناك ما يقارب شهيدين تم انتشالهم والعدد مرشح للزياده قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاونه الاخيره تستهدف بشكل مباشر مراكز اللواء ومراكز النزوح في قطاع غزه بشكل عام لكن يعني لحد هذه اللحظه كما تشاهدون يعني طواقم الدفاع المدني وطواقم الخدمات الطبيه تقوم بالبحث عن مصابين او ناجين من تحت الانهار. इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 2 सितंबर को दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने गजा के दक्षिणी किनारे पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को जड़ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि हमास के लड़ाके अभी भी आखिरी जंग के जरिए इसराइल से मुकाबला करने की कोशिश में जुटे हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इजरायली मिसाइल का धमाका कितना जबरदस्त है। गजा के नुसीरात में इजरायली मिसाइल का यह हमला अचानक हुआ था। जबरदस्त धमाके से कैमरा दूर जा गिरा, जबकि धमाके के बाद सैकड़ों लोग इमारत के आसपास देखे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इस धमाके में 27 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। मलबे में लाशों को खोजते सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। इजरायल का यह हमला अगस्त के आखिरी दिनों में हुआ था। अब तक गजा में 340 दिन से ज्यादा की जंग में 40,819 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 94,291 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में गजा और वेस्ट बैंक में 43 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजरायल के 6 बंधकों की लाशें मिलने के बाद से पूरा इजरायल सड़क पर उतर आया है। यरूशलम, तेल अवीव, हड हेशरॉन, हाइफा, हर्जलिया और रानाना में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू को लगता है कि हमास इजरायली बंधकों को तस्करी करके ईरान पहुंचाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल जाएगा। इधर इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। अब जरा हमास के लड़ाकों से जुड़ा ये वीडियो देखिए। एक तबाह इमारत में हमास लड़ाकों का ये वीडियो जरूर देखिए, जहां केले, सेब, आलू बुखारा और आड़ू के साथ वॉर प्लान हमास के लड़ाके बना रहे हैं। ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हमास के लड़ाके सेब केले के साथ इसराइली सेना के खिलाफ वॉर प्लान बनाते हुए दिखाए गए हैं। 2 मिनट 10 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। हमास के 4 से 5 लड़ाके एक टूटी हुई इमारत में रॉकेट लॉन्चरों के साथ मौजूद हैं। लगभग 80 से 100 मीटर दूर दूसरी टूटी हुई इमारत में इजरायली सैनिकों को देखा जा सकता है। इमारत में 2 छोटे छेद दिख रहे हैं जिसके पास इजरायली सैनिकों को देखा जा सकता है। हमास के लड़ाके कमरे में पूरी लोकेशन समझकर 2 छेदों के पीछे छिपे इजरायली सैनिकों पर रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त हमला करते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। हमास के लड़ाकों का दावा है कि उनका ऑपरेशन सफल रहा है। نقول لهم بأننا بعدما مضى مما يقارب عام والله الذي لا إله إلا هو إننا لا نعمل لكم حسابا ولا نخاف منكم قيد أنمنا ونخزوكم في كل مرة لأن اتكالنا على الله هو ناصرنا هو معزنا. कुल मिलाकर नेतन्याहू अब ऐसे युद्ध में फंस चुके हैं जहां एक तरफ उन्हें हर हाल में हमास का सफाया करना होगा
साथ ही हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा कराना होगा, वरना इजरायलियों की बगावत नेतन्याहू पर भारी पड़ सकती है।